लो जी आज सुबह सुबह के निकल रहे हैं जी। हाँ जी, किधर जाने की तैयारी आज? अच्छा, आगे लगता कुछ लगा हुआ पर वो नीचे गिर गया है, मोबाइल पे कार्टून देखे जा रहे हैं। मेरा हाँ, उंगली खाना बंद कर दो, खाना नहीं मिलता, क्या हुआ मोबाइल? अच्छा अच्छा, व्यू लड़के का ब्लॉक हो गया था भाई। येलो येलो, ये वापिस हम कर देते, ठीक है, हम नहीं डिस्टर्ब करते, ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू, कैसे हो आप सब लोग? तो हवा बहुत तेज चल रही है यार, बड़ी तो बड़ी तेज हवा यार, अंदर बैठ के बात करते हैं। अच्छा, मैं तो सोया हुआ था, ऐसे मुझे जगा कहते चलो चलो कपड़े पहनो जाना है कहीं, मुझे तो पता भी नहीं था। ये अभी उन्होंने लोकेशन भेजी है, तो पता नहीं कौन सी, मुझे अभी भी नहीं पता, 83 किलोमीटर है। तो बस चलते, फिर मैंने कहा इनके पीछे पीछे हम निकल पड़ते हैं। वो सामने गाड़ी है, तो उनमें ब्रदर इन लॉ है, अम्मी है, बच्चे हैं सारे हैं, और ये हम अपनी गाड़ी में, हमारी सीट खाली है यार, क्या करें, कोई नहीं, ज्यादा देर तक खाली नहीं देगी। तो बस फिर निकलते, अल्लाह का नाम लेकर, पेट्रोल वगैरह है आधी टैंकी पर, फिर भी जाता है तो फुल करवा ही लेता हूँ। तो फिर निकलते, बिस्मिल्लाह पढ़ के जी, पेट्रोल वगैरह हो गया, तो बस अब निकल पड़े सफर पे, और अब लंबा ही सफर ही है, बस गाने सुनते सुनते पहुंच जाएगा, बस गाने सुनते सुनते पहुंच जाना, पता भी नहीं लगना। चलो यार, यार छोटे होते थे ना तब से एक ही बात सुनते आ रहे हैं, सफाई निसफ ईमान है, सफाई निसफ ईमान है। तो कहीं ना कहीं ना, मतलब ये बात फिर फील भी होती है यार, हम ही लोग इस चीज़ को नहीं मानते। और जो मैं एक अंग्रेज़ कंट्री के रह रहा हूँ, जो मतलब कि हमारा रिलीजन से जिनका बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं, वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं यार, ना कोई गंद ना कोई चीज़, और लाइक नेचर के साथ मतलब बिल्कुल ही वो प्योर है, कोई उनमें कोई मिलावट नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई गंद नहीं। पर पहुँच गया लेकिन एड्रेस समझ नहीं आ रहा, बूमर भाई गोरे से पूछ रहे हैं कि भाई किधर है किधर नहीं, कोई पता नहीं चल रहा, जो लोकेशन के मुताबिक वो किसी घर में जा रहा है तो पूछ रहा है, उम्मीद है पता लग ही जाएगा तो पहुंच जाएंगे। अब बिल्कुल आसपास ही है कहीं पे, लेकिन समझ नहीं आ रहा रोड कौन सा। तो आ गए जी लोकेशन पे, तो बहुत ज़बरदस्त व्यू है, आपको मैं दिखाता हूँ, लेक है सामने और सारे आए हुए इधर तकरीबन, तो आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, कैसे हैं? तो ये जी हमारे दानिश भाई, मैं बताता जो जिनसे गाड़ी ली थी, जो मेरी गाड़ी मैंने दानिश भाई से ली थी, तो ये भी साथ में आए हैं, और ये साथ में उमर भाई, अस्सलाम वालेकुम। हमने कहा फिर से मिल ले जी। तो यहाँ पे जी बारबेक्यू का इंतजाम है, सारा सामान ले आए हैं, साथ में मैं हूँ, उमर भाई हैं और दानिश भाई की फैमिली है, तो मतलब दो फैमिली है टोटल। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है यार सामने, रिलैक्स नेचुरल है ना, कुछ भी फेक नहीं है। तो आप देखो ज़रा, वेदर भी वैसे मज़े का हो चुका है, सामने लेक है, पीछे पहाड़ है, और इधर बारबेक्यू चल रहा है। तो अभी भाई स्टीम पे लगा दिया हमने, वो वाले थोड़े थोड़े से जल गए हैं, लेकिन फर्स्ट ट्राई थी, कोई बात नहीं। तो क्या लगता है दानिश भाई, कितनी देर में बन जाएंगे अभी ये? 10-15 मिनट में। पक्की बात है, मैं टाइमर लगा लूँ ना। चलो जी, उम्मीद करते हैं बस बन जाए। और इसको देखो ज़रा आप, मेरा हाँ इंजॉय कर रही है अकेली, कोई किसी की जरूरत नहीं। इसका हाथ भाई निकाल ले, हाथ भाई, लोग सोचेंगे खाना देते, और ये किसने भाई देसी स्टाइल बनाया है, हाँ चूसनी घूम जाती इसलिए फिक्स ही कर दी है। तो यार बहुत ही ज़बरदस्त ना वेदर होने हुआ हुआ है, लेकिन धूप होती ज़्यादा मज़ा आना था, लेकिन फिर भी जो भी है अच्छा ही है। यहाँ पर स्विमिंग भी अलाउ है, लेकिन इतने गुड़े गुड़े पानी में कौन स्विमिंग करेगा यार। तो यहाँ से देखो सामने जो भी है ना, वो बड़े बड़े पहाड़ हैं, आई थिंक जो मैं पिछली बार गया था ना माउंट बोबो में, तो वो इस तरफ था इन पहाड़ों में, और इस बार हम इधर आए हैं। सांस चढ़ गई यार छोटे को पकड़ पकड़ के। तो बस अभी थोड़ी देर में खाना रेडी होने वाले, फिर खाना वगैरह खाते हैं, तो फिर आगे थोड़ा बहुत चक्कर वगैरह लगाते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं किधर किधर क्या जगह, आगे बहुत जगह घूमने वाली इस तरफ, तो पिक्चर बनाते हैं फिर देखते हैं। खाना पीना हो गया जी, खा पी के आ गया। तो अभी नानी भाई मज़ा आ गया जो आपने वो बनाया ना, मसाला बड़ा मज़े का था उस पर। थैंक यू, बड़ी देर से मैं इसको देखता आ रहा, सर्च करता यूट्यूब पे ना, मैं क्यों, प्लान था मेरे लेने का, तो फिर आज देखते हैं इसका, खुद ही अपने हाथों से रिजल्ट देखते हैं। नानी भैया उड़ाते हैं, देखते हैं फिर। 2 साल से मैंने उड़ाया ना इसको। 2 साल से? ये बहुत पुराना मॉडल है, मैं जब पाकिस्तान में था मैं तब इसको देखता होता था ना, इसके रिव्यू वगैरह,
क्योंकि तब मैं लेने के चक्करों में था, फिर मैंने इसकी जगह मैंने आईफोन ले लिया था, तब वो तो बस यही हुआ था। तो आज देख लेते हैं डीजे, वैसे अच्छे ब्रांड जैसे मोबाइल्स की कंपनी में आईफोन है ना, वैसे ही ड्रोन में डीजे ही है। तो वह सब देखते हैं फिर उड़ा के कैसा सेटअप होता है, मुझे ये भी नहीं पता। चलो जी इसका यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है यहाँ से हम इसकी वीडियो की सेटिंग कर सकते हैं कि वीडियो बना रहा है, ठीक है चलिए रिकॉर्ड करें आप वीडियो रिकॉर्डिंग। रिव्यू मैंने भी इसके बड़ी देर पहले चेक किया, तो बड़ा पुराना मॉडल है ये, अभी का नहीं है। तो देख वैसे देखने में कुछ और चीज़ है, लेकिन लाइव आप देखो तो वो कुछ और चीज़ है, फिर आपको सही समझ आती है। तो काफ़ी दूर है यार, वैसे रिव्यूज़ में देखता था ना तो उसमें इतनी दूर नहीं शो होता था, तो इसमें काफ़ी दूर जा रहा है। मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ, बसर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करें क्यों, जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ। तो खाना शाना भी डन हो गया, ड्रोन स्ट्रोन भी उड़ा लिया, अब घूम फिर रहे हैं आगे पीछे एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ नेचुरल है इधर, इस चीज़ का मज़ा है। पिकनिक पॉइंट ज़बरदस्त है वैसे, यही है फैमिली के साथ बंदा आ जाए, कोई गंद नहीं, कोई शोर नहीं, कोई चीनी मस्त सान जिसे कहते हैं सुपर सुकून, वही है सारा। तो ये देख लो आप, यहाँ पे मेरे ख्याल से जो प्राइवेट बोट्स आती है ना, ये उनके लिए ही है, क्योंकि वो तो है नहीं किसी का जो होता है गवर्नमेंट टाइप या कुछ भी, जैसे वो होता है ना वो टिकट लेके, वो वाला नहीं है, सभी का प्राइवेट ही है। तो अपने बोट लेके आते हैं यहीं से, यहाँ से ये रैंप बना हुआ उनका, वहाँ सीधा उधर। चलो हम बगैर बोट के ऐसे इंजॉय करने आए, देखते हैं आगे आगे क्या बनता है क्या नहीं। ऐसे ज़बरदस्त है, पीछे पहाड़ है, आगे लेके और फिर इधर से हरा हरा ग्रीन भरा हरा जो भी होता है। मेलबर्न में जगह बड़ी पड़ी है पिकनिक के लिए, आप आओगे नहीं आपको एक से एक खतरनाक जगह मिलेगी देखने को, जैसे ये देख रहे हो ना। ये तो कैमरे में मुझे लगा पहाड़ छोटे छोटे ही हो रहे हैं, लेकिन बहुत सही मतलब कि अच्छे खासे पहाड़ हैं। और चेक करो इस तरफ से ज़रा व्यू, सारा पुरसकून। तो किसी किसी वीडियो में ऐसा पुरसकून माहौल भी अच्छा होता है कि आप कोई शोर ना हो, कोई खप ना डाले, कोई उल्टी सीधी बात ना बना करे, सुपर सुकून से। ये देखो ना ज़रा नीचे हो गया, आपको दिखाते हैं, ये तो रैंप है बोट के लिए। तो सही है यार, ज़बरदस्त जगह, मज़े वाली जगह, बंदा जब भी रिलैक्स के लिए आना हो वैसी जगह पर बेस्ट होता है, तो चुप करके बंदा आ जाए बस, सिंगल लोगों के लिए नहीं है। खैर बहुत नाजुक सूरत हाल है। फिर वापसी का टाइम होगा, बच्चे भी छिरोने की आवाज़ आ रही है ना, अंधेरों लगे सनसेट, तो सारे चलेंगे तकरीबन, पार्किंग खाली होगा, हम भी बस निकलते हैं वापसी का घर की तरफ। तो सही यार, मज़े वाली जगह थी, कोई शोर नहीं, कोई चीज़ नहीं, मतलब का पुरसकून जगह थी, ऐसी जगह बड़ा मज़ा आता है ना। ठीक है जी भाई, फिर किस दिन प्लान करते हैं तो मिलके फिर कहीं निकलेंगे। बहुत मजा आया जी, बहुत शुक्रिया जी, ओके जी। चलो जी यार, बस अभी वही बच्चे रो रहे हैं भाई, क्या करें बच्चे हैं फिर वो, तो बस अब अपना अपने घर को निकलते हैं। जी आज के घर तकरीबन पूरे 7 बज चुके हैं, सुबह निकले थे 1-2 बजे निकले थे, प्लान वैन कोई नहीं था, मैं आज खेल कर सोया हुआ था और बस उठ के नंदा बोला चलो, तो मैंने बोला चलो फिर हमें क्या, हम तो बस जगह ढूंढते हैं। तो मज़ा आज जो अब नेक्स्ट वीक का प्लान है, नेक्स्ट वीक का मैंने दोस्त का प्लान किया फैमिली के साथ, आपको पता है फिर फैमिली की तरह ही वहाँ पे सारा कुछ ध्यान रखना पड़ता है, उसी तरह बात शादी करनी होती है। तो नेक्स्ट संडे जाना दोस्त के साथ, और वही बड़ी टॉप क्लास जगह, बहुत ही ज़्यादा, वो तो इससे भी बहुत बहुत ऊपर वाली जगह है। तो प्लान किया हुआ, फिलहाल प्लान किया हुआ है, लेकिन पूरा भी करने के चक्करों में है, पूरा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर दोस्त के साथ चलेंगे तो गपशप भी लगेगी, हर तरह की यू नो गपशप, माहौल शोल हर तरह का, तो फिर सही एनर्जेटिक वाला भी लोग होगा वो वाला, तो बस मैंने सोचा हुआ है। तो बस फिर अभी के लिए मुझे जो इजाज़त मिलती है आपसे, फिर कल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो बाय, टाटा बाय, अल्लाह हाफिज़।